देखते हैं तो आईसीयू की बॉल को काउंट करना बहुत जरूरी है। अगर आप आईसी की बॉल को काउंट नहीं कर पाओगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि नॉर्मली होता क्या है, जैसे हमें किसी भी फोन की हम आईसी के हिसाब से उसको ट्रेस करते हैं, और अगर आप उसको आप उसका अगर आपको आईसी की बॉल को काउंट करते हो सही से, तो आप उसका स्टेमेटिक नहीं भी है तो किसी भी दूसरे मॉडल की स्टेमेटिक खोल के आप उसकी स्टेमेटिक खुद ब खुद बना सकते हो, क्योंकि हर आईसी का इनपुट और आउटपुट सेम ही होता है। अगर सेम नंबर का आईसी है तो उसका इनपुट और आउटपुट सेम होगा। मान के चलिए अगर MT6757 लगी है तो वो किसी भी बोर्ड में लगी होगी, अड़तीस नंबर किसी भी फोन में लगी होगी, चाहे वो 5,000 के फोन में लगी एक हो सौ या बीस एक पचास सौ हजार तीस के वो फोन नंबर में, रहा। ठीक है, चाहे वो 5,000 के फोन में लगी हो या 50,000 के फोन में लगी हो, उसका इनपुट और आउटपुट हमेशा सेम ही होगा, ठीक है ना? आवाज तो मेरी एकदम क्लियर है सब लोगों को? तो उसमें भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या होता है। पहले तो देखो आईसी जो है और बोर्ड, मैं अगर आपको बोलूं कि आईसी और बोर्ड में हमें क्या करना होता है, कि पिनों को काउंट करना जरूरी क्यों होता है, सबसे पहला रीजन जो होता है कि हमें आईसी की पिन को काउंट करना जरूरी क्यों है, अगर आपको आईसी लेवल पे काम करना है तो। क्योंकि जब मान के चलिए ये हमारा बोर्ड है, ठीक है ना, क्या है ये हमारा एक मोबाइल का बोर्ड है और इसमें जो है हमारे ये आईसियां बनी हुई है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर ये सारे मैं इसको बोल बना देता हूँ, ठीक है, ये इस तरह से, ये अगर एक तरह से मानो कि ये आपके मोबाइल का जो पीसीबी है ये वो चीज है, और दूसरी साइड में है आईसी आपका, मैंने यहाँ पे बना दिया आईसी, ये क्लास को थोड़ा सा समझना ध्यान से क्योंकि ये बहुत जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जैसे इस तरह से ये बोल बन गए, अब इधर मैं उसी तरह से इधर भी बना देता हूँ, ये क्या है, ये हमारी आईसियां हैं, ठीक है, इसमें भी ये बोल बने हुए हैं, मैं छोटे बड़े वैसे ही बना दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें क्या है कि आपके मोबाइल के बोर्ड पे, जो मोबाइल का आपका पीसीबी बोर्ड होता है उसके ऊपर कितने तरह, मतलब बॉल के टाइप वहां पर आप कितने तरह से वहां पर देखते हो, मतलब जैसे आपको एक बोलते हैं हम सीरीज की बॉल होगी, दूसरा ग्राउंड होगा, तीसरा एनसी होगा, मतलब तीन तरह में उसको तीन भाग में हमने डिवाइड कर रखा है, ठीक है ना। कुछ बॉल एनसी होंगी, कुछ बॉल आपको मेन सीरीज की कनेक्टिंग बॉल होंगी और कुछ बॉल ग्राउंड होंगी, मतलब हमारे मोबाइल का जो बोर्ड है उस पीसीबी पे, मोबाइल की जो पीसीबी है पीसीबी पे के ऊपर आपको तीन तरह से बॉल मिलती है, एक जिसको हम बोलते हैं कनेक्टिंग पॉइंट, दूसरा आपको ओएल या आप एनसी ओपन लाइन, ठीक है, और तीसरा होता है आपका ग्राउंड, ठीक है, ये तीन चीजें होती है। बट जो आप मार्केट से या आपके पास जो आईसी होगी, ठीक है ना, जैसे ये मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये क्या है, ये हमारा पीसीबी का सतह है, और ये क्या है, ये हमारी आईसी है। आईसी में आपको दो ही तरह के बॉल मिलते हैं, पहला क्या कनेक्टिंग पॉइंट जो उसमें आपको सीरीज होगी, दूसरा
ग्राउंड। आईसी के अंदर कोई बाल बॉल आपका एनसी नहीं होता, ठीक है? समझ में आया? जी सर। आईसी के अंदर कोई बॉल एनसी नहीं होता, इसीलिए हमको आईसी के बॉल को प्रॉपरली काउंट करना पता होना चाहिए, ठीक है? मान के चलिए, जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि कोई एक आईसी है, ठीक है ना? इस आईसी में आपके एक फ्लैश लाइट के लिए लाइन जा रहा है, यहाँ से कोई भी एक, ये आपका 10 नंबर बॉल है, 20 नंबर का बॉल है, जो 20 नंबर की पिन है, यहाँ से एक आपका कैमरे फ्लैश का लाइट का एक जो है वो लाइन जा रही है, जो आपकी इंडिकेशन एलईडी लगी होती है उसके लिए ये लाइन जा रही है, ठीक है ना? लेकिन दूसरे फोन में क्या होगा कि सेम आईसी दूसरे बोर्ड पे भी लगी हुई है, लेकिन वहां पर ये वाला पॉइंट यूज में नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा कि वो आईसी के ऊपर तो वो जो वोल्टेज यहाँ से बन रही है 1.80 जो भी है वो आईसी बनाएगी, लेकिन जो आपका बोर्ड है बोर्ड के ऊपर क्या होगा कि वो बॉल एनसी होगा, वो किसी के साथ कनेक्टेड नहीं होगा। अगर हमारा दूसरा कोई मोबाइल का पीसीबी है, जैसे कोई भी, मैं मॉडल अलग, आप दो मॉडल ले लो अलग अलग, एक मॉडल में वो जो बोर्ड के ऊपर आपको कई सारी लाइनें एनसी बॉल दिखाई देते हैं, मतलब वो लाइन जिस भी काम के लिए जा रही है, जो भी वहां पे फंक्शन है, वो आपके मोबाइल के बोर्ड में या तो है नहीं, या फिर हो सकता है कि कहीं और से उसको वोल्टेज दी जा रही हो, लेकिन वो जो है आपका बोल वहां पे यूज में नहीं है पीसीबी के बोर्ड में, लेकिन आईसी आपका वो चीज भी वहां पे बनाएगी, वो आउटपुट भी देगी, ठीक है? लेकिन वो क्या होगा, बोर्ड पे रह जाएगा वहीं पे, क्योंकि बोल किसी के साथ कनेक्ट नहीं है। लेकिन जब वही आईसी, सेम नंबर की आईसी आप दूसरे बोर्ड पे लगाओगे और वहां पर 20 नंबर पिन से एलईडी की फ्लैश लाइट जल रही है, तो आपका वो क्या होगा, वोल्टेज वहां पे वो पहुंचा देगी उस लाइन से, ठीक है? अब इसमें सबसे बड़ी गलती और क्या होती है, एक गलती सब लोगों से, अपने हम लोगों से भी कई बार होती है कि हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास स्टेमेटिक नहीं होता किसी भी मॉडल का, पर्टिकुलर किसी भी मॉडल का स्टेमेटिक नहीं है, और हम क्या करते हैं कि उस आईसी का नंबर उठाते हैं किसी जो दूसरे मॉडल में भी लग रही है, अगर मान के चलिए पेस्टेड आईसी है, हमने पेस्टेड आईसी उठा ली, कुछ बॉल उसमें टूट जाते हैं, एनसी वाले बॉल टूट जाते हैं या सीरीज के बॉल टूट जाते हैं, वैसे तो बोर्ड पे ही देखने से पता लग जाता है माइक्रोस्कोप में, लेकिन कुछ बॉल हैं ऐसे जो कि नहीं भी पता लगता, तो वहां पर क्या करते हैं कि यार चलो इतनी सारी बॉलें हमारी टूटी हैं, अब मैं इसको, इसका ना बिट मैप है ना सेमेटिक है ना आपके पास कोई और तरीका है उसको जानने का, तो हम क्या करते हैं कि उस आईसी में ये चेक करते हैं कि हमारा जो बॉल टूटा है किसी और बोर्ड पे वो आईसी लग रही है, तो हम उसे क्या करते हैं कि वहां से उसका बिट मैप अगर है उस मॉडल का उसको खोल के देख लेते हैं, और देखते हैं कि वहां पर ये सारे बॉल एनसी हैं, तो उस एनसी के हिसाब से जो आपके हाथ में बोर्ड है उसको भी आप मैच कर देते हो कि यार ये भी एनसी होगा, चलो ये तो यहाँ पे भी एनसी है और वहां पे भी एनसी है, मान के चलिए वो आपकी कोई पावर आईसी है, ठीक है ना? हो सकता है कि उसमें इंटरनली कोई सीपीयू सिग्नल जनरेट कर रहा है उस मॉडल में और उसको पावर आईसी से नहीं दिया गया, ठीक है? अब आपने जिस मॉडल का बिटमैप देखा उसमें नहीं दिया गया, लेकिन जो बोन आपके हाथ में है उसमें जो वो एनसी है वो वहां पे यूजेबल है, आप वहां पर आईसी बदलते रहिए, अगर वो बॉल आपका टूटा हुआ है एनसी वाला जिसे आप एनसी समझ के छोड़ रहे हो, आप उसको आईसी बदलते रहिए, आपका फोन जैसा है वैसा ही रहेगा, कोई चेंजेस वहां पर नहीं आने वाले, तो कभी भी हमें आईसी को बॉल को काउंट करके जब हम दूसरे स्टेमेटिक को देखते हैं कि उसका बिट मैप देखते हैं, उसका स्टेमेटिक देखते हैं कि हमारा वहां पर कौन सी आईसी है या वो एनसी है या नहीं है, तो वहां पर आपको उसके बॉल को भी देखना होता है कि कितने नंबर का बॉल है, ठीक है ना? अब जितना नंबर का बॉल है तो स्टेमेटिक पे आपको उस लाइन का भी पता लगेगा
कि ये अगर एनसी है भी तो क्या काम कर रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो बॉल आपके मोबाइल के बिट मैप पे एनसी दिखा दिया, आपके हाथ में जो मॉडल है, जो आपके पास स्टेमेटिक है, जिसके हिसाब से आप उस आईसी का आपके हाथ के मॉडल के साथ आप मैच कर रहे हो, अगर उसमें जो एनसी दिया भी है स्टेमेटिक पे, तो वहां पर ये भी दिया होगा उसके स्टेमेटिक डायग्राम पे कि ये बॉल किस चीज के लिए यूज हुआ। जब आपकी आगे क्लास होगी स्टेमेटिक की, तो मैं आपको बताऊंगा, आप उसको देख के पता कर पाओगे कि वो लाइन कौन सी है। ठीक है ना, भले वो उस मॉडल में यूज नहीं हुई, तो आपको वहां पे जब आप अपने हाथ वाले मोबाइल में, जो आपके हाथ में पीसीबी बोर्ड है जिसके एनसी टूटे हुए हैं या नहीं, जैसा भी है, तो वहां पे आप उस बॉल को काउंट करके देख सकते हो कि क्या वो इम्पोर्टेंट है, नहीं है, वहां पे यूजेबल है, नहीं है, उसके हिसाब से आप उस बॉल को बनाओगे, नहीं बनाओगे, छोड़ोगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपको बॉल की पिन काउंट करना और उस पिन से क्या वर्क हो रहा है, ये आपको स्टेमेटिक के थ्रू पता चल जाएगा, वो किसी भी मॉडल का हो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा के बोर्ड के ऊपर आपको तीन तरह के पिन मिलते हैं, कनेक्टिंग पॉइंट जिसे हम बोलते हैं, या दूसरा जिसे ओएलई ओपन लाइन या एनसी बोलते हैं, तीसरा ग्राउंड। पर आईसी के अंदर आपको सिर्फ कनेक्टिंग बॉल और ग्राउंड दो ही चीजें होती हैं। आईसी में जितनी भी बॉल है सब यूजिंग है, वहां पे कुछ एनसी नहीं होता। क्लियर हो गया? हेलो, अरे आवाज आ रही, सब लोग सो गए क्या? जी सर, जी सर। हाँ ठीक है, अब मैं आता हूं कि हमें आईसी के बॉल को काउंट कैसे करना है। ठीक है, तो अब आईसियां आपको मोबाइल के बोर्ड में कितने टाइप की मिल रही हैं, ये भी आपको पता ही होगा। नॉर्मली हमें क्या क्या मिलता है, वो वाला दे दो। दो टाइप के सर, लैग आईसी और बॉल आईसी। हाँ, एक होता है हमारा बॉल आईसी और दूसरा होता है लेग आईसी। मतलब बॉल आईसी जो है उसमें क्या होता है कि हमारे सारे लेग बने हुए होते हैं। मान के चलिए चलिए, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर एक ये आईसी बनाई रखी है, तो ठीक है ना, तो सॉरी वो मैंने खो दिया ज्यादा ही कुछ। चलिए, अब यहाँ पर क्या होता है कि हमें आईसीओ में, जैसे मैंने बोला कि दो तरह की आपकी आईसीओ, आपने खुद ही बोला, तो एक तो होती है हमारी लेग आईसी, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं लेग आईसी। अगर मैं इसको इस तरह से डॉट डॉट करूं, चलो मैं इसमें ऐसे ही बना दे रहा हूँ, थोड़ा सा ऐसे ही खींच देता हूँ। ठीक है ना, अब आईसी के ऊपर जब भी आप आईसियां देखते हो, आईसी के ऊपर क्या होता है, आपको नोज पॉइंट दिए होते हैं। ठीक है ना, मान के चलिए इस तरह से आपको एक नोज पॉइंट दिया होगा, और आपको इसी तरह से आईसी को जस्ट सामने की तरफ पकड़ना है। यहाँ पे भी आपको दूसरा भी जो है नोज पॉइंट दिया हुआ होगा। ठीक है ना, जैसे एक मैं इधर इससे थोड़ा सा बड़ा डाल देता हूँ, इधर एक नोज पॉइंट दिया हुआ है, एक नोज पॉइंट हमारा इस आईसी पे भी दिया हुआ है इस तरह से। ठीक है ना,
नोज पॉइंट हमारे दिए होते हैं कि उससे आपको दो चीजें होती है कि जब भी आप आईसी उठाते हो तो आप नोज पॉइंट से उसकी लोकेशन को बोर्ड के ऊपर ट्रेस कर सकते हो, देख सकते हो कि आप उसको किस तरह आपने निकाला है और उसी हिसाब से वहां पे आपको उसे आप बिठा सकते हो। चलिए, तो आपको वो ध्यान में देना होता है कि कैसे आप उसको बिठा सकते हो। वैसे अधिकतर कुछ बहुत सारी आईसीयू में ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ बॉल अंदर होती नहीं है, बोर्ड के ऊपर होती नहीं है, तो अगर आप उसे देखना भूल भी जाते हो ना तो भी उसको आप बिठा सकते हो। लेकिन कुछ आईसीयू ऐसी होती है कि उसमें बोर्ड के ऊपर भी सारे बॉल कनेक्ट होते हैं और आईसी के ऊपर भी सारे बॉल कनेक्ट होते हैं, तो वहां पर जब आप देखते हो कि आपने आईसी उठा दी जल्दी में और नोज पॉइंट नहीं देखा, वहां पे आप कई बार स्टूडेंट जो भी हैं वो फंस जाते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको तो वैसे तो आप ध्यान में रखिए, बाकी जब बाकी की क्लासेस होंगी तो वहां पे भी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अगर देखना भूल भी गए ना तो भी पता लग जाता है आपको सारी आईसियां जितने भी पिने हैं सब उसमें कनेक्टिंग है, बोर्ड में भी आईसी में भी कुछ गैप नहीं है। तो अगर आप नोज पॉइंट देखना भूल जाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो पता लग जाता है कि कौन सा है कैसे है, उसका भी है तरीके, वो आपको क्लासेस में मैं बता दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि बॉल जो काउंट होता है हमेशा हमेशा जो लेग आईसी है, जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ जो हमारी ये हमेशा लेग आईसी है, लेग आईसी हमेशा क्या होता है कि हमें एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक जो पिन है, जैसे ये नोज पॉइंट है, नोज पॉइंट से हमेशा लेफ्ट साइड से जो पहला पिन होगा वो है एक नंबर और उसके एंटी क्लॉक मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में आपको उन पिनों को काउंट करना है, 2 3 इस तरह से आपको इसकी काउंटिंग चलती है। मतलब आप एंटी क्लॉक वाइज इस आईसी को लेग आईसी के बॉल को गिन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये इसी तरह से ये बॉल काउंट किया जाता है। अब आते हैं बॉल आईसी पे, ठीक है ना। बॉल आईसी में हमारे दो मेथड है, ठीक है, जैसे मेथड नहीं मतलब आप तो जब स्टेमेटिक पर देखते हो, डायग्राम में देखते हो, तो आपको वहां पे दो तरह से बॉल काउंट की जाती है। कुछ में क्या होता है कि आपको इस तरह से लिखा हुआ होता है, जैसे नोज पॉइंट है तो होता है यहाँ पे भी लेफ्ट से ही है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है नंबर और अल्फाबेट दोनों चीजों का यूज किया जाता है, ठीक है ना, नंबर और अल्फाबेट दोनों चीजों का यूज किया जाता है। जैसे मान के चलिए मैं ये बॉल है, इसको इस तरह से रो कॉलम वाइज मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कुछ बॉल छोटे बड़े हैं सीधे बने हुए। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो बॉल हमारे बने, चलिए ठीक है ना, अब ये जो हमारा बॉल है इसमें क्या होगा कि अब देखो पहला जो, जैसे ये नोज पॉइंट इधर है तो हम कभी इधर से काउंट नहीं करेंगे, हमें जाना है लेफ्ट साइड को, ठीक है ना। और बॉल बोर्ड को आपको इसी तरह जैसे यहाँ पर बना हुआ है इसी तरह आपको अपने सामने लोकेशन वाइज पकड़ना है, और जो यहाँ पे होगा वो क्या होगा, पहला पिन एक नंबर पिन ही यहाँ पे भी होता है नोज पॉइंट, ठीक है ना, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, इसी तरह से यहाँ पे भी चलता है, चार नंबर यहाँ पे भी इसी तरह से चलता है, बट ऊपर की साइज में क्या होता है ए बी सी डी दिया हुआ होता है, ए बी सी डी की जो आपके अल्फाबेट की सीरीज है वो चालू हो जाती है, ए बी सी डी, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि मान के चलिए जैसे हम किसी सिमेटिक पर देखते हैं तो वहां पर क्या लिखा होता है आईसी के आगे जो हमारा पिन आउट यहाँ पर बाहर होगा, क्योंकि वहां पर तो इस तरह से बॉल नहीं दिखाई जाती कि कहाँ से निकल रहा है सिमेटिक पे, वहां तो एक फ्लैट हमें क्या होता है एक कॉलम बना दिया जाता है, ठीक है ना, मतलब एक प्रकार का वहां पे बना देते हैं इस तरह से, और इसमें से आपको सीधा जो भी पिन आउट आउट होते हैं वो इस तरह से निकल जाती है लाइन, और यहाँ पर लिखा जाता है बी थ्री, ठीक है, एक लाइन और निकली, इसमें लिखा गया डी टू, ठीक है, ऐसे वो लाइन के ऊपर जब आप आईसी पे देखोगे तो आपको इससे ये पता लग जाएगा कि हमारा बॉल कौन सा है, कौन सा बॉल नंबर है। जब हम मान के चलिए ये हमारा डीसी टू डीसी है, जैसे भी डी थ्री है और यह बीबस है, तो अब यहाँ पे कोई लाइन आउट हो रहा है, मान के चलिए वीपीएच ही बना रहा है, ठीक है ना, तो वीपीएस का वैसे तो कई बोलो से आउट होता है, लेकिन आपको यहाँ पर क्या बी थ्री मैंने लिख दिया बी थ्री,
B3 बॉल से आउट हो रहा है, अगर ये आपकी IC है तो इसमें B3 का बॉल कौन सा होगा? पहले तो 3 नंबर पे जाना है, ठीक है ना, और B वाले रो में 3 नंबर पे जाना है, मतलब B वाला जो रो है 1 2 3, ये वाला जो कॉलम है ये क्या है, यहाँ पर जो बॉल आपको मिलेगी वो होगी आपकी B3, मतलब आपको IC के अंदर इस बॉल से वो लाइन आउट हुई है, ठीक है ना। जैसे अब ये D2 लिखा है, D2 लिखा है मतलब 2A और DA, ये वाला कॉलम यहां से आपको वो आउट हुआ है, ठीक है ना, क्लियर हो गया जी सर। अरे सर क्लियर हो गया जी सर। चलिए अब इसमें एक तो ये हो गया, दूसरा होता है कि आपको ये ABCD नहीं होता, जैसे मैंने यहाँ पर नोज पॉइंट बना रखा है, तो यहाँ पे भी क्या होगा कि आपको ये जो काउंटिंग है एक नंबर जहां पे भी नोज पॉइंट होगा हमेशा उसके लेफ्ट से ही चलेगा, लेकिन ये आपको ऊपर के हिस्से से चलेगा, 1 2 3 4 नीचे आएंगे तो ये वाला 5 6 7 8 फिर 9 10 11 12 13, ठीक है ना, समझ में आ गया, ये कैसे चलेगा इस तरह से। तो आपको इस तरह से ये बॉल को काउंट करना है। अब आपको जैसे ये यहां पर मैंने लिख दिया, आप जब यहां पर देखोगे तो आपको लिखा होगा कि जब वहां पे कोई लाइन आउट होगी तो 13 नंबर, तो 13 नंबर पिन ये हमारी है, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 15 नंबर तो वो यहाँ पर नहीं लिखा होगा, ये तो पूरा एकदम प्लेन ही होगा, सिर्फ इसमें जो लाइन के शॉर्टकट कोड होते हैं उस लाइन के वर्क या उसका नाम जो है उसके हिसाब से यहाँ पर अंदर के साइड में कुछ लिखा होगा, बाहर की साइड में भी कुछ लिखा होगा, लेकिन जहां से वो लाइन आउट होगी वहां पर यहाँ जड़ के पास IC के किनारे जहां से वो लाइन निकल रही है वहां पे लिखा होगा 15, ठीक है ना। अब 15 लिखा है और क्या लिखा है, चार्ज आउट, ठीक है ना, क्या लिखा है, चार्ज आउट, लेकिन चार्ज आउट का निशान भी देखना होता है क्योंकि 2 चार्ज आउट होते हैं मोबाइल में कौन सा है, तो वो क्या है कि आपका इस तरह से बाहर के लिए है चार्ज आउट, मतलब आपको ये समझ जाना कि इस IC के 15 नंबर पिन से आपका क्या हो रहा है, चार्जिंग का जो वोल्टेज है वो आउट हो रहा है। तो अगर इस IC के 15 नंबर पिन से चार्जिंग का वोल्टेज आउट हो रहा है, ये एज एग्जाम्पल कोई भी एक मान के चलो 632 है, ठीक है ना, एज एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है 15 नंबर पिन से वहां पे नहीं आउट होता, नहीं तो 632 में सोचो कि 15 नंबर पिन से ही आउट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर ये कोई IC है 15 नंबर पिन से हमारा चार्ज आउट हो रहा है, चार्जिंग का वोल्टेज आउट हो रहा है, तो जो अगर वो सेम नंबर है तो ये आपकी 632 है, किसी भी फोन से निकाल के कहीं पे भी देखोगे कहीं किसी भी फोन में वो लगी होगी, उसका जो चार्जिंग का वोल्टेज है वो 15 नंबर पिन से ही आउट होगा। तो अगर आपके पास सेमेटिक नहीं है, आप IC को उठा लेते हो, ठीक है ना, आपको ये तो पता ही लग जाएगा कि 15 नंबर कौन सी है, अब हमें ये देखना है कि वो लाइन कहाँ कहाँ जा रही है, तो ट्रेस कैसे करना है वो मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल क्लास में दिखाऊंगा कि आप लाइन को कैसे ट्रेस करोगे। हाँ, लेकिन अगर ये IC से यहाँ पर निकल रही है तो बगल में कोई ना कोई कंपोनेंट, कैपेसिटर, रजिस्टर, डायोड, कुछ ना कुछ तो लगा ही होगा IC के इनपुट आउटपुट पे, कुछ लाइनें होती हैं जो कि डायरेक्ट IC to IC होती है, नहीं तो बीच में कुछ ना कुछ कंपोनेंट तो होता ही है। अब अगर हमने ये IC निकाल ली और उसके बाद यहाँ से देखेंगे कि ये कैपेसिटर है, क्योंकि हमें पहले तो नहीं पता कि चार्ज आउट कहाँ से हो रहा है, ठीक है ना, आपको ये पहले तो नहीं पता लगेगा, क्योंकि अगर अगर आपके पास सेमेटिक है तो आपको ये तो पता लग जाएगा कि सेमेटिक में देख के हार्डवेयर सोल्यूशन जो भी है बोर्नियो वगैरह वहां से आपको ये पता लग जाएगा कि ये कैपेसिटर पे हमारा चार्ज आउट हो रहा है, लेकिन अगर उस मॉडल का नहीं है तो कैसे पता लगेगा, फिर तो एक ही तरीका है कि आप उसके IC के जो भी नंबर है उस IC का आप कोई भी स्टेमेटिक उठा के देख लो जिस भी मॉडल में वो लग रही है, वहां पे आपको ये पता लग जाएगा कि कितने नंबर से आउट हो रही है, और फिर आपके पास जो बोर्ड है उसको उठाओ और देख लो कि 15 नंबर पिन से
मल्टीमीटर लगाओ बीप की मोड में और अगल बगल के कंपोनेंट को चेक कर लो, कोई ना कोई कंपोनेंट तो होगा ही उसके अगल बगल, आपको ये पता लग जाएगा कौन सा कंपोनेंट है। तो इसलिए आप लोगों को आईसी के बोल को काउंट करना और आईसी में कितने टाइप की बॉल्स आती है वो मैंने आपको बताई थी। आईसी में सिर्फ दो ही टाइप की होती है, आईसी का जो आपका मोबाइल का पीसीबी बोर्ड होता है उसमें आपको तीन तरह से होती है, तीन टाइप के मैम वहां पे हम उसे बोलते हैं एनसी, कनेक्टिंग पॉइंट और ग्राउंड। आईसी में या तो कनेक्टिंग है या ग्राउंड है, एनसी कुछ नहीं होता, वहां पे सब कुछ यूजेबल होता है।